दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं एक इलेक्ट्रोस्कोप। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो एक इस तरह की एक बोतल, जो कि कुछ हद तक पारदर्शी हो, जैसे कि है इसके आर पार से कुछ हद तक दिख रहा है। और उसके बाद हमें चाहिए एक मतलब कैप तो उसका होता ही है, फिर उसके ऊपर एक होल और एक कील, एक वायर। वायर को कुछ इस तरह से इसमें बांध देंगे और फिर यहाँ से इस तरह से मोड़ देंगे, और फिर उस वायर को, इस कील को इस होल में कुछ इस तरह से डाल देंगे। हाँ, कुछ इस तरह से हम इसको डाल देंगे, जिसमें कि ये कील का नुकीला सिरा ऊपर की तरफ होगा और ये मुड़ा हुआ इसके नीचे की तरफ को होगा वायर का। फिर हमें चाहिए होंगी दो पत्तियाँ, हल्की सी पत्तियाँ मेटल की, और फिर उनके बीच में कुछ इस तरह से आपको छेद करने होंगे दो, और फिर इन दोनों पत्तियों को इस घेरे में डालना होगा। ओके, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे हमें डालना होगा। हमें इन पत्तियों को कुछ इस तरह से डालना होगा। अब इस तरह से हमारा 90% काम हो चुका है। चलो 10% काम भी करते हैं। तो दोस्तों, अब जो हमने ये सेटअप बनाया है, इस सेटअप को हमें इस बोतल में डालना होगा। तो चलो इसको डालते हैं और ऊपर से। तो गाइस, इलेक्ट्रोस्कोप बनकर तैयार है। ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि ये काम किस तरह से करेगा। तो जब भी हम यहाँ से इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो इस पर, इन दोनों पत्तियों पर सेम चार्ज आ जाएगा। जब सेम चार्ज आ जाएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। जब मैं एक कंघे के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिसिटी देने वाला हूँ, जी हाँ, कंघे के थ्रू एक इलेक्ट्रिसिटी दूंगा मैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस, मैंने अभी इसको जूम कर दिया है और अब आप देख पाएंगे कि कैसे ये पत्तियां एक दूसरे से अलग भागती हैं। देखा, ये कितनी ज़्यादा खुल चुकी हैं। अब मैं कंघा हटा रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये देखो, अभी भी ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इसका मतलब इनमें चार्ज है। अब मैं इसे एक पतले से तार से टच करने वाला हूँ। मैं पहले जूम आउट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इस तार से मैं इसको टच करता हूँ। ओके, तो आप ये इलेक्ट्रोड देख रहे हैं पतला सा मेरे हाथ में, मैं इसी से इसको टच करने वाला हूँ। एक ए, देखिए आपने हलचल, इसका मतलब ये डिस्चार्ज हो गया मेरे थ्रू। मैंने इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पर टच किया, जो इसका चार्ज था वो इसमें से होता हुआ, मेरे से होता हुआ अर्थ में चला गया। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज थे तो इलेक्ट्रॉन मुझसे होते हुए अर्थ से, मुझसे होते हुए इसमें आए। अगर ये नेगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन्स इससे निकले, इस तार्स के थ्रू मेरे अंदर गए और मेरे से वो बस ज़मीन में चले गए, क्योंकि मेरा पैर ज़मीन पर रखा हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और चलो हम एक बार और ये मज़ा देखते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आता है। लुक एट इट, मैंने इसको बहुत ज़्यादा पास कर दिया, जैसे कि आप और अच्छी तरीके से देख पाओ। ओके, ये परफेक्ट है। 3, 2, 1। अभी भी खुली हुई है, इसका मतलब इसमें चार्ज है। एक बार और लुक एट इट, अमेजिंग। अब मैं इसको वापस से इलेक्ट्रोड से टच करने वाला हूँ। ओके, लेट्स सी। 3, 2, 1, ये डिस्चार्ज हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगी तो। अगली वीडियो में मिलूंगा किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।